हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है कन्हैया और आप देख रहे हैं फाइट विद एसएससी चैनल। मैं आज एक सोशल साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूं, बिहार बोर्ड क्लास 10th का। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, राजनीतिक दल की परिभाषा दे। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं या राजनीतिक दल किसे कहते हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी अगर इंग्लिश में पूछे तो ऐसे पूछ सकता है, डिफाइन पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अब इसका आंसर हम कैसे देना होगा, तो इससे पहले समझने होगा कि पॉलिटिकल पार्टी होता क्या। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेता है और उसका प्राथमिक लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। प्राथमिक लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। वो अपने मैनिफेस्टो के द्वारा, अपने घोषणा पत्र में तरह तरह के लोक लुभावने वादे करते हैं और उसके बीच वो जनता के पास जाते हैं। तो इन सभी गतिविधियों को जो करते हैं उसे उन्हें ही पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा दिया जाता है, राजनीतिक दल। तो आप लिख सकते हैं, राजनीतिक दल एक ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो राजनीतिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और जिनका लक्ष्य चुनाव जीतना होता है। चुनाव जीतकर जनता की भलाई करना, जनता की सेवा करना होता है, उसे पॉलिटिकल पार्टी के श्रेणी में कह सकते हैं। और जो अपने मैनिफेस्टो में यानी घोषणा पत्र में लोक लुभावने वादे करते हैं कि मेरी सत्ता जब आएगी तो मैं ये फ्री कर दूंगा, मैं बिजली का दाम आधा कर दूंगा, ये सेवाएं मुफ्त दूंगा, तरह तरह की वो वादा करते हैं, तो मतलब इन्हीं सभी को हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपको याद रखना है कि शब्द का आंसर 20 शब्द में ही लिखना है। यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स। निम्न प्रश्न का उत्तर 20 शब्द में ही दें। तो शब्द सीमा का भी आपको ध्यान रखना है। शब्द सीमा से ज़्यादा लिखेंगे तो उसमें भी आपका नंबर कट हो सकता है, ठीक है। तो शब्द सीमा को आपको ध्यान रखना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।